31 जुलाई को हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर हुए पथराव के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल चर्चाओं में है। यह संस्था हिंदुओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही है। ऐसी ही एक ट्रेनिंग 24 से 30 जुलाई तक असम के दारांग जिले में हुई। इसमें 18 से 30 वर्ष के युवाओं को तलवारबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि असम में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। राष्ट्रीय बजरंग दल कभी विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता रहे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की शाखा है। तोगड़िया ने जून 2018 में इस संगठन का गठन किया था। अप्रैल 2018 में प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव को हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। प्रवीण तोगड़िया दावा करते हैं कि VHP का 80% कैडर बजरंग दल से आता है। अब बजरंग दल के 90% कार्यकर्ता उनसे जुड़ गए हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल देश भर में युवाओं को आत्मरक्षा की दृष्टि से ट्रेनिंग दे रहा है।